राधे राधे, सुनीता नीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, हमारे शंभू जी जो ड्रेस पहन के बैठे हैं, यही ड्रेस हम बनाने वाले हैं। तो चलिए देखिए कैसे बनाएंगे इसे। तो चलिए, इस ड्रेस के लिए हमने क्या सामान लिया है। एक तो लेस लिया, आप कोई भी लेस ले सकते हो। चिल्ड्रन प्रिंट का कपड़ा लिया है जिसकी कटिंग करी है मैंने, बताती हूँ मैंने कैसे की है। तो इस तरीके का आप कॉटन का कोई भी या फ्लोवर वगैरह वाला कोई भी कपड़ा ले सकते हो। तो ये कुछ पीसेज मैंने काटे हुए हैं, तो मैं आपको पहले एक एक पीस नाप देती रहूंगी और बनाती रहूंगी, ठीक है। सबसे पहले हम चोली बना लेते हैं, तो ये पीसेज मैं रख देती हूँ। ये हमारा है चोली का पीस, तो ये एक स्क्वेयर पीस लिया है मैंने। पहले हम इसको बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने 5 इंच के करीब लिया है, 5x5, क्योंकि हम 5 और 6 नंबर कानाज के लिए बना रहे हैं। अगर आप 6 और 7 नंबर कानाज के लिए बनाते हैं तो आप इसे 5.5 लेंगे, ठीक है, आधा इंच बढ़ा देंगे। और इससे छोटे यानी कि 4 से 5 नंबर कानाज के लिए आप बना रहे हैं तो आप 4.5 लेंगे, और उससे छोटे जैसे आधा आधा इंच आप कम करते रहेंगे। जैसे आप 2 और 3 नंबर कानाज के लिए बना रहे हैं, 2 नंबर कानाज 3 इंच के इस तरीके से होते हैं, और जो 4 होते हैं वो 4 इंच होते हैं लंबाई। तो इसलिए आपको ये 4 इंच आपको ले लेना 3 से 4 नंबर कानाज के लिए इस तरीके से पीस। तो ये मैं ले रही हूँ हाइट के हिसाब से। मेरे कानाजी 5.5 इंच के हैं, तो मैं 5 से 6 नंबर कानाज के लिए बना रही, तो इसलिए मैंने इसे 5 इंच लिया है, ठीक है, जिसे ये दोनों को आ जाता है, ये ड्रेस ऐसा है, ठीक है। तो ये 5x5 का एक पीस है, पहले हम इसे बना लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये जो पीस है इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है, और बीच में से कट कर देंगे। तो देखिए, दोनों पीसेस ऐसे कट गए हैं। अब हम इसको ऐसे जोड़ेंगे, लेकिन बीच में नेक छोड़ेंगे। तो इसको हमने इस तरीके से फिर से रख लेना है वापस से, और इसको हम नाप लेते हैं ये कितना है। ये हमारा, ये देखिए 7 इंच है ये हमारा। तो यहां से हम इसको हम 3 हिस्से इस तरीके से घुमा लेते, देखिए ऐसे 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 3 हिस्से कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो 3 हिस्से ऐसे ही करा, तो हमने कितना आया हमारा, ये देखिए 2.5 इंच ऐसे आ रहा है। तो हम यहाँ पर 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, और यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। बाद में आप बढ़ा भी सकते हैं अगर थोड़ा बहुत, ठीक है। अब बीच में हमारा कितना बचा, 2.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ से सिलाई कर लेते हैं, और यहाँ से हम सिलाई कर लेते हैं, बीच में हम सिलाई नहीं करेंगे। तो देखिए, हमने निशान तक ऐसे अभी इसको देखेंगे खोल के, तो यहाँ पर हमारा ये नेक है। तो ये नेक अगर आपको छोटा लगता है तो आप इसे थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे आपको कान्हाजी को पहना लेना है, बाकी ये नेक बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से सीधा ऐसे करेंगे, और ये जो हमने फोल्ड किया है इसको इस तरीके से देखिए, क्योंकि ये रेब है तो इसको वो करने की जरूरत नहीं, ऐसे चीरा कर नाखून से ऐसे करके, और यहाँ पर हम एक सिलाई लगा देंगे, एक सिलाई हम यहाँ लगा देंगे। तो देखिए, हमने इस तरीके से सिलाई कर दी, ये नेक आ गया, और यहाँ से सिलाई हो गई, यहाँ से इसको थोड़ा फिनिशिंग कर लेंगे, और यहाँ पर हम इस तरीके से फोल्ड करके अपनी जो है लेस हम लगाकर तैयार करेंगे चारों तरफ। तो देखिए, इस तरीके से हमने चोली बना के तैयार कर ली है, इसको साइड में रखते हैं। अब हम निकर का देख लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने लिया 4.5, ये हमने 5 लिया था, तो इससे आधा इंच आपको कम लेना है। जिस भी साइज के आप बना रहे हो उससे आपको आधा इंच ये कम लेना पड़ेगा,
और ये हमने लिया है 10.5, यानी कि इसका डबल लिया है चोली का, ठीक है ना। ये चीज आपको दिखा, ये 10 हो गया और आधा इंच हमने सिलाई में जो दबेगा वो लिया है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है एक डोरी बना के तैयार करेंगे, क्योंकि हम लास्टिक वाला नहीं बना रहे, कई बार लास्टिक नहीं होता है घर में, और डोरी वाला जो होता है इससे अच्छा फिटिंग भी आती है। तो इसको हम इस तरीके से, आप पलटना चाहे पलट के, नहीं तो ऐसे करके एक लंबी सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेंगे, जो कि नेफे में जाएगी। हम नेफे में इस तरीके से, ये देखिए ऐसे हमने सिलाई लगा लेनी, 1 इंच के करीब हमारा मुड़ जाएगा, तो यहाँ 4.5 की बजाय 3.5 इंच हमारा रह जाएगा, ठीक है। तो 1 इंच हम अंदर फोल्ड कर लेंगे, चाहे तो आप लास्टिक डाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं डाल सकते। तो सिलाई के लिए इस तरीके से जैसे हम लोग ऐसे करके फोल्ड करके फिर सिलाई लगाएंगे, जिसे डालने के लिए यहाँ पर हमारी डोरी के लिए जगह हो, तो यहाँ पर आप चाहे तो सिलाई लगा लीजिए, और नहीं तो ऐसे फोल्ड करके ऐसे ही आप जो है नेफे को मोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हमने इस तरीके से नेफा मोड़ दिया और यहाँ पर ये फोल्ड कर दिया, जिससे कि आप डोरी डाल सकते हैं, चाहे तो आप पहले से भी डोरी डाल के रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, तो ये निकर बहुत लंबी बन जाती है, कान्हा जी के बैर जो बाहर निकल जाते हैं। अरे हम 5 से 6 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा स्टाइल चेंज करेंगे। इसे हमने पहले भी एक बार बनाई, बहुत अच्छी फिटिंग आती है इसकी, तो थोड़ी सी बस मैं बड़ी बना रही हूँ अब। तो ये देखिए हमारा 3.5 इंच इस तरीके से बचा है, ऊपर से यहां से ये देखिए 2.25 पे एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से फोल्ड करके। जो ये नेफा मोड़ा ना, यहां तक हम ऐसे फोल्ड कर देंगे कपड़े को, ठीक है। अभी हमने यहां से सिलाई नहीं करी है, और यहां से 2.25, पहले हमने 1.5 रखा था, आज हम 2.25 रख रहे हैं, थोड़ा सा हम बड़ा बना रहे हैं। आप 2 इंच भी रख सकते हो, 1.5 इंच, अगर बिल्कुल आप 5 नंबर कान्हा जी के लिए तो आप 1.5 रखे, मैं थोड़ा सा इसको 2 पॉइंट ज्यादा, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से 2.25 पे एक निशान लगा लेती हूँ। तो ये मैंने निशान लगा रखा है, और यहाँ से मैं इसको इस तरीके से देखिए तिरछा ऐसे कटिंग कर दूंगी। तो देखिए मैंने ऐसे तिरछा निशान लगा दिया पेंसिल से, आप देख रहे होंगे, और यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगी, ठीक है। तो आप देखेंगे ये सिलाई वाला नेफे वाली जगह थी, और ये इस तरीके से कुछ बन के तैयार हो गया है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से सिलाई कर देंगे। तो देखिए जिग जैग हो गया है, तो इससे जो है धागे बाहर नहीं निकलते, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट जो है लेस लगा के तैयार करेंगे। तो देखिए जो हमने जोड़ दिया है यहाँ पर, ये देखिए यहीं से हम सीधी तरफ से ऐसे लेस लगाएंगे बाहर की तरफ निकालते हुए, तो ऐसे लेस लगाते हुए हम इस तरीके से कोने पे ऐसे पूरा इसको कवर कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने लेस लगा ली, आप देखिए। अब हमने क्या करना है, इसे इस तरीके से रखना है, जैसे चड्डी होती है ना ऐसे रखना है, और ऐसे फोल्ड करना है, और यहां से 2 इंच के बाद छोड़ के हम यहां से इस तरीके से कट कर देंगे, और इसकी करेंगे हम सिलाई। तो आप पहले सिलाई भी कर सकते हो, बाद में कट कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से मैंने रखा 2 इंच इस तरीके से, ज़्यादा भी रख सकते हैं, और यहाँ से ये निशान लगा लेते हैं
तिरछा, ठीक है। ऐसे में कट कर देती हूँ और फिर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये कट आ गया ना, यहां से मैं सिलाई लगा दूंगी। तो ये देखिए हमने इस तरीके से सिलाई लगा दी। हमारे अष्टधातु के हिसाब से हैं तो थोड़े से गुलू मुलू होते हैं। अगर आपको छोटी बनानी है तो आप बस साइज छोटा कर देंगे, यानी कि आप जो है इसको, इसका मैंने छोटा साइज भी बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डाल दूंगी। बस आपको ये जो है 11 साढ़े 10 इंच की जगह हम आप जो है 10 इंच कर दीजिए और इसकी जो है लेंथ यहाँ की 4 रख दीजिए, उससे ही ये छोटी हो जाएगी। तो आधा आधा इंच आप कम कर सकते हो। ये मैं बीच में से कट डाल रही हूँ जिससे कि, तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको, तो ये देखिए हमारी कितनी अच्छी सी निक्कर बन के तैयार हुई है। इसकी शेप बड़ी प्यारी आती है, देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ से हम डोरी डाल देंगे सेफ्टी पिन की हेल्प से। तो देखिए इस तरीके से हमने डोरी डाल दी है। आप चाहें तो प्लास्टिक भी डाल सकते हैं, तो जितना आपको लंबी डोरी चाहिए, बांधने में इजी रहे, इस हिसाब से आप डोरी का छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने, ठीक है, ये बन गया हमारा। अब हमने क्या करना है, इसको आप पीछे की तरफ डोरी बांधेंगे, बैक साइड में ऐसे डोरी आएगी और आगे से ये हमारा इस तरीके से रहेगा। या आप आगे की तरफ से भी डोरी बांध सके, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन हमने इसमें जो है ये अपनी चोली जोड़नी है, इसलिए हम इसे पीछे की तरफ ही करेंगे। और यहाँ से ये जो कोना है हमारा, ये देखिए इस तरीके से आप जोड़ दें तो ये ऐसे लगेगा जैसे ड्रेस आपका इस तरीके का, या फिर आप अंदर से जोड़ सकते हैं तो ये इस तरीके का लगेगा। तो मैं इसको यहाँ से जो ये सिलाई है ना नेफे की, सेंटर से मैं यहाँ पर थोड़ा सा टक कर देती हूँ जिससे खोए ना और इस सिलाई के ऊपर आ जाए, ऊपर से डोरी आ जाए और ये पीछे ऐसे तरीके से बनाकर हम पीछे की तरफ करके डोरी को बांध सकें। तो ये ड्रेस पूरी एक ही रहेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये जो सेंटर है हमारा, ये देखिए, तो ये जो सिलाई नेफे की, इसी सिलाई के ऊपर हम इस तरीके से कोना, बस इतना सा कोना हमने इसको अटैच करना है ऐसे सेंटर में और यहाँ से सिलाई लगा देनी है। डोरी इसके अंदर है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो छोटा सा मैंने कोना इधर जोड़ दिया है और मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से, देखिए, ठीक है ना। अगर आप इसको अलग भी रख सकते हैं तो अलग भी रख सकते हैं, इसको पहनाया और उसके बाद निकल, ठीक है ना। तो ये ऐसे इस तरीके से आप पहनाएंगे, ये झबला टाइप से भी हो गए और ये पीछे से ऐसे आप दबा के डोरी को पकड़ के खींच कर बांधेंगे, बस आपका जो फिटिंग आ जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके की ड्रेस बन के तैयार हुई है। तो चलिए इसका कैप भी बनाना सीख लेते हैं। कैप बनाने के लिए आप अपने कान्हा जी के सर की गोलाई जरूर ले लीजिए, क्योंकि सर किसी के छोटे होते हैं किसी के बड़े होते हैं। तो ये मेरे पास तो नाप है तो मैं अपने कान्हा जी के नाप के हिसाब से बना रही हूँ। ये मैंने ले लिया 6 इंच। अगर आप 5 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आप लेंगे 5.5 इंच अष्ट धातु वाले। अगर आप कम है तो आप 5 इंच लेंगे, 5 नंबर, मतलब की जो गोलाई होती है वो थोड़ी छोटी बड़ी होती है, तो आप देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छी फिटिंग आ जाएगी आपके कान्हा जी की। तो आपको इस तरीके से ले लेनी है। तो मेरे कान्हा जी की जैसे 5.5 है इस तरीके से, और मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ इसलिए मैंने इसमें 6 लिया है। और यही 5 नंबर कान्हा जी के लिए आप बना रहे हैं तो आप 5.5 लेंगे, ठीक है। तो कई बालों के ऊपर लगाते हैं, ठीक है ना। और ये लिया मैंने 3 इंच इस तरीके से, और इस तरीके से मैंने 6 इंच एक कपड़ा ले लिया है, ठीक है। कि फ्लैप बनाने के लिए मैंने 2 पीस लिए हैं जिससे इसमें बुकरम लगाना ना पड़े, तो ये दोनों पीसेस मैं इस तरीके से रख दिए हैं। बराबर पीस है, मैं इसकी लेंथ दिखा देती हूँ, 3 इंच है जितना आपको ये कपड़ा लिया हमने, ठीक है। ये भी 3 इंच है, ये थोड़ा सा ज़्यादा, मैं इसको ठीक कर लूँगी। 3 इंच लेना है इसी तरीके से। और इसकी जो चौड़ाई है ये मैंने लिए 2.5 इंच। इसमें हमारा जैसे 2-2 इंच, इस 6 इंच है ना, इसको हम इस तरीके से जितना भी आपका कपड़ा होगा उसको आपके 3 हिस्से ऐसे कर लेने हैं आपने, ठीक है। और उसके हिसाब से आपको ये चौड़ाई लेनी है तैयार जो बनेगा फ्लैप। तो दोनों तरफ मुझे सिलाई चाहिए इसलिए मैंने इसे 2.5 इंच लिया है, इधर थोड़ा सा छोड़ दिया, इधर थोड़ा, तैयार आपका 2 इंच होएगा, ठीक है। तो ये जो 2 पीसेज है मैं इसको ऐसे रखूंगी, ये मेरा सीधी साइड है, ये मेरा उल्टी साइड है। तो ये सीधा साइड है जो, इसको मैं ऐसे फोल्ड करूंगी। 4 तय हो गई हमारी,
ठीक है। और इसको मैं इस तरीके से गोलाई देते हुए ऐसे सिलाई करूंगी। हल्का हल्का सा आपको ऐसे गोलाई देना है, चाहे तो आप पेंसिल से निशान लगा लीजिए पहले, इजी रहेगा, या फिर आप मशीन को भी चलाते हुए कर सकते हैं। तो देखिए हल्का हल्का सा कोने पे बस इस तरीके से आपको निशान लगाना है ऐसे, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे निशान लगा दिए मैंने, और बस सिलाई करूंगी मैं इस तरीके से घुमा के ले आऊंगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने अब ये जो एक्स्ट्रा है ये मैं कटिंग कर दूंगी, ये देखिए ऐसे गोलाई में। और इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं लेस लगा दूंगी। तो देखिए मैंने इस तरीके से लेस लगा दी है, मैंने ज्यादा गोलाई नहीं दी है, आप चाहें तो ज्यादा गोलाई भी दे सकते हो। पहले ये कैप में मैंने काफी गोलाई दी, मैंने इसमें थोड़ी सी कम दी है। इस तरीके से मैंने तैयार किया है। अभी जो हमारा कपड़ा था इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है, और इसके बीच में हमने सेंटर में फ्लैप को रखना है, ठीक है। इस तरीके से ये फोल्ड है, यहाँ से इस तरीके से ऐसे रखेंगे सेंटर में, और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। तो क्या करना है, हमने इसका ऐसे सेंटर कर लेना है, यहाँ से निशान लगा लीजिए, या आप ऐसे कैंची से थोड़ा सा कट कर लीजिए, ठीक है। ये सेंटर हो गया, और इसका भी हम इस तरीके से सेंटर ले लेंगे, और इस सेंटर को सेंटर के बीच में इस तरीके से रख के, और ये देखिए ऐसे रखा ना, इसको उठाया यहाँ पर अंदर की तरफ करके, और यहाँ से सिलाई कर देंगे। तो देखिए हमने बीच में रख के सिलाई लगा दी है। अब हम इसको इस तरीके से धीरे धीरे करके ऐसे पलट लेंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरीके का हो गया ये हमारा। अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, और यहां से सिलाई लगा देंगे। तो उससे पहले आप लेस लगा सकते हैं, यहाँ पर एक लेस और लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर भी एक लेस लगा के तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमने ऐसे लेस लगा ली है। अब हम इसको यहाँ से सिलाई कर देते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ से सिलाई लगा दी है। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से रखना है, ये जो सिलाई है पीछे की तरफ रख के यहाँ से भी हम सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से भी सिलाई लगा दी, अब ये पॉकेट की तरह इस तरीके से हो गया है। अब हमने ऐसे करना है, इसको अच्छी तरह शेप देने के लिए हम यहाँ से ये दोनों किनारे एक यहाँ से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए कोने दोनों हमने इस तरीके से सिलाई कर दिए। अब जब हम इसे पलटेंगे, जो भी धागे एक्स्ट्रा काट देंगे, तो ये गोलाई में ऐसे शेप ले लेगी। देखिए तो ये हमारी छोटी सी कैप बनके तैयार हो गई है, ये देखिए। तो देखिए हमारी कैप बनके तैयार हो गई सिंपल सी, और ये देखिए हमारी समर ड्रेस बनके तैयार हो गई है। तो मुझे उम्मीद है आपकी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह धन्यवाद। राधे राधे।